तो अपने DVR को जो है ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे जी कॉम टाइप करें, जी कॉम। जब ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, इस ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। दो ऑप्शन खुल के आएगा, एक डोर फोन और ये हो गया कैमरा। तो कैमरा वाला क्लिक पे ऑप्शन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए इस कोने में जो एक लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर एक लोगो दिखेगा प्लस के निशान का, इसको भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा, वाईफाई डिवाइस, वायर डिवाइस और क्लाउड डिवाइस इंस्टॉलेशन। तो आपको वायर वाला पे, अगर आपका जो है DVR वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई से, या फिर वायर से, दोनों में से किसी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे वायर पे हम करते हैं और वायर पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आएगा, इंस्टा ऑन और डोमेन। तो आपको इंस्टा ऑन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो DVR का नाम है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपने DVR का सीरियल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो डाल देना है आपको। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना डाल दीजिए, जो भी आपका DVR का है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपका DVR का है। उसके बाद स्टार्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे तो फाइनली इस तरह से आपका जो कैमरा है जो लाइव हो जाएगा और जितने भी कैमरा है वो सबको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपने जो है घर के DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो हमारे ये वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपके साथ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।